हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास तक में कंप्लीट किए थे शेयर। यूनिट 5 में आपको शेयर, बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ, ये 3 टॉपिक्स आएंगे, जिसमें से शेयर हम लोग लास्ट क्लास तक में उसके न्यूमेरिकल्स और उसके थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। दोनों को एक साथ पढ़ना है क्योंकि वो दोनों एक ही टॉपिक है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है। वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है एक्सप्लेन करने को, तो इसी क्लास में हम लोग लास्ट वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स देख लेंगे बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ के। इससे अगर हम लोग आज न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 5, जिसमें आपका शेयर पार्ट था वो 2 वीडियो उसका आ चुका है, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। और इस वाले वीडियो में कोशिश करेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करवा दें। अगर नहीं हो सका तो नेक्स्ट वाले क्लास में जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर उसका हम लोगों का यूनिट 5 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब है कि आपका बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ का जब न्यूमेरिकल हो जाएगा तो आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब बॉन्ड क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, पहले हम लोग बॉन्ड से समझते हैं। हम लोग जब लिमिट स्टेट पढ़ रहे थे फ्लेक्सर कंडीशन का, तो हम लोग एजम्पशंस पढ़े थे। उसमें हम लोग ये बोले थे कि ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ था कि आपका अगर ये एक बीम है, इस बीम का अगर हम किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन देखें, तो ये आपको रेक्टेंगुलर अगर क्रॉस सेक्शन था, ये आपको बी था और ये आपको कैपिटल डी था, तो जब आप ये बीम बेंड होकर के कुछ इस तरह का बन जाएगा, इसके बाद भी आप जब किसी भी पॉइंट पे एक सेक्शन देखिएगा तो भी वो सेक्शन आपको बी और डी ही आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब इसका शेप जो होगा ये चेंज नहीं होगा। इसमें अगर आपका रेनफोर्समेंट है यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें भी रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। ये जो हम लोग सेम एज्यूम कर रहे थे कि बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग जो है ये आपका सेम रहेगा, ये किस एजम्पशन पे हम लोग कर रहे थे? ये कर रहे थे कि हम लोग मान के चल रहे थे कि जो हमारा रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइडेड है, ये रेनफोर्समेंट में और कंक्रीट में आपको प्रॉपर बॉन्ड बना हुआ है। तो प्रॉपर बॉन्ड बना होने का मतलब क्या है, क्योंकि कंक्रीट का जो लोअर हाफ पोर्शन है ये तो आपको टेंसाइल फोर्स ले नहीं सकता है, तो आप उसमें प्रोवाइड कीजिए रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट आपको कंक्रीट के साथ कंबाइंड था, बस कंक्रीट का क्या होगा कि कंक्रीट आपको इफेक्ट नहीं ले पाएगा टेंसाइल फोर्स का। तो ये हम लोग जो लगाए थे, तो हम लोग एज्यूम किए थे कि ये पूरा जो हम लोगों का आरसीसी बना, जिसके बॉटम में हम लोग 3 बार या टॉप में भी अगर हम लोग 2 बार दे रहे हैं, तो ये पूरा जो है एक कंप्लीट सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका मतलब प्रॉपर है। तो जब बॉन्ड प्रॉपर होगा तो इसका मतलब है कि जब इसके ऊपर लोड आएगा तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो ये इसके अंदर सारा कॉम्पोनेंट जो होगा सब डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कंक्रीट भी डिफ्लेक्ट करेगा तो आपको स्टील भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आप किसी भी पॉइंट पे आप सेक्शन काट के देखेंगे तो क्योंकि दोनों साथ ही डिफ्लेक्ट किया है, तो ये वाला जो इंटरनल लेंथ है ये तो चेंज होगा नहीं। जब ये इंटरनल लेंथ चेंज नहीं होगा तो ये आपको बी और डी ही रहेगा। तो हम लोग ये इंश्योर मतलब एज्यूम किए थे कि हम लोगों का बॉन्ड जो है वो प्रॉपर है। अब वो बॉन्ड प्रॉपर है या नहीं ये भी हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोग बीम डिजाइन करते हैं तो हम लोग जैसे फ्लेक्सर के लिए चेक करते हैं उसका रेनफोर्समेंट देते हैं, शियर के लिए चेक करते हैं उसका रेनफोर्समेंट देते हैं, उसी तरह हम लोग बॉन्ड के लिए भी चेक करते हैं कि बॉन्ड में हम लोग उसके लिए रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, बट हम लोग उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो वो डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करते हैं तो उससे हम लोगों का इंश्योर हो जाता है कि अब हम लोगों का जो बॉन्ड होना चाहिए, जो इस एजम्पशन को करेक्ट बना रहा है, वो बॉन्ड हम लोगों का है। तो उसके लिए बॉन्ड कितने टाइप का होता है ये समझेंगे, और उसमें से हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ कब देना है और किस कंडीशन में देना है वो समझेंगे, तो हम लोगों का ये एजम्पशन जो ये करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों का जो एक बीम था, इस बीम में हम लोग ये जो बॉटम ये रेनफोर्समेंट देते थे, ये बॉटम का रेनफोर्समेंट देते थे ये एएसटी होता था, ये टॉप का रेनफोर्समेंट देते थे ये एएससी होता था। तो ये दोनों हम लोग देते थे फ्लेक्सर के हिसाब से। फिर हम लोग इसमें स्टीरअप देते थे, ये स्टीरअप हम लोग देते थे शेयर के हिसाब से। अब हम लोग इसमें एक डेवलपमेंट लेंथ और ऐड करेंगे, जो डेवलपमेंट लेंथ आपको इस सपोर्ट्स के अंदर ये बार कितना जाएगा ये हम लोग जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों का फिर ये बॉन्ड का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फ्लेक्सर के लिए ये दोनों रेनफोर्समेंट, शेयर के लिए ये वाला रेनफोर्समेंट, और बॉन्ड के लिए ये लेंथ कितना अंदर जाएगा, ये तीनों जब कंबाइंड होता है तब आपका एक बीम जो है वो कंप्लीट डिजाइन होता है, जिसकी हम लोग लास्ट क्लास तक में बात कर रहे थे कि आप लोग अलग अलग यूनिट्स में सब पढ़ रहे हैं। जब आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे फ्लेक्सर शेयर और बॉन्ड का, तो आपका वो कंप्लीट एक डिजाइन ऑफ बीम्स का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब बॉन्ड क्या होता है ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अब बॉन्ड का अगर डेफिनेशन भी समझे तो ये आपको बेसिकली एक एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स मतलब है कि कंक्रीट और स्टील को आपस में बॉन्ड करके रखने वाला जो एक फोर्स है, जो इन दोनों को बॉन्ड करके रखता है, वो कहलाता है आपका बॉन्ड। अब वो आपको
कैसे रखता है, मतलब अगर आपका कंक्रीट और स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, वो बॉन्ड किस तरह से बन रहा है, वो ऐसा क्या रीजंस होता है जो आपको दोनों को, आप किसी भी अगर एक बीम में रेनफोर्समेंट ऐड कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बीच बॉन्ड प्रॉपर होने वाला है। ये तो आपको इनिशियली नहीं पता रहता है, आप तो रेनफोर्समेंट के साथ प्रोवाइड कर देते हैं और रेनफोर्समेंट क्योंकि स्लिप करके बाहर नहीं आ जा रहा है, क्योंकि जैसे अगर आप मान लीजिए ये बार जो है अगर आप स्टेनलेस स्टील का देते थे तो आपको एक एज्यूम कर सकते हैं कि अगर स्टेनलेस स्टील का होता तो कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्ड शायद नहीं बनाता क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं होता। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं स्टील का कंक्रीट के साथ, वो फैक्टर्स क्या होते हैं वो आपको ये फैक्टर्स है जो हम लोग लिखे हैं अभी, बॉन्ड का डेफिनेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि आप वो डेफिनेशन जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आप उसको ही लिख सकते हैं या फिर आप किसी बुक वगैरह से देख सकते हैं। अब इसका रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, ये आपको एक हेल्पिंग फोर्स हुआ, ये आपको एक जैसे फ्लेक्सर और शेयर क्या होता था कि आपको एक नेगेटिव फोर्स आ रहा था उसके लिए आपको रेनफोर्समेंट एडिशनल प्रोवाइड करना पड़ा था। बॉन्ड जो आ रहा है ये आपको नेगेटिव फोर्स नहीं है, ये आपको एक पॉजिटिव फोर्स है, ये आपको एक हेल्प करता है ताकि आपका जो ये सारा एजम्पशन था फ्लेक्सर और शेयर में वो करेक्ट रहे। तो ये रीजन है आपको जो आपको बॉन्ड डेवलप कराते हैं किसी भी एक आरसीसी में, वो पहला होता है आपको एडहेसिव रेजिस्टेंट, अभी हम लोग बताएंगे क्या होता है, दूसरा होता है आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और तीसरा होता है आपको मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अब एडहेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, आप पहले एक अपना रेनफोर्समेंट को टाई अप कर देते हैं, एक आप एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे आपको अगर बीम बनाना है तो आप उसका बी और डी जो आपका टोटल होता है उससे आप माइनस करते हैं कवर और आप एक रेनफोर्समेंट का जाली आप पहले ही तैयार कर लेते हैं जो आपको कास्ट करना होता है। ये इस तरह से आपका रेनफोर्समेंट जो है वो तैयार रहता है। अब आप यहां से चारों तरफ से शटरिंग लगाते हैं और इसके बाद आप इसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं ऊपर से। तो जब आप उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो कॉन्क्रीट अगर आपको एक प्रॉपरली अगर डिजाइन मिक्स उसका किया हुआ है, उसमें सीमेंट एग्रीगेट्स वाटर सबका अगर प्रोपोर्शन जो है वो अगर एक फिक्स रेशियो में है तो वो आपको क्या करता है कि उसमें जो सीमेंट आप यूज करते हैं कंक्रीट में वो आपको देता है एक एडहेसिव प्रॉपर्टी। सीमेंट क्या होता है, ग्लू इफेक्ट देता है। आप जब प्लास्टर करते हैं तो आपके ब्रिक्स को कौन जोड़ के रखता है, प्लास्टर में आपका सीमेंट ऐड करके मतलब ग्लू आपको इफेक्ट देता है। आपको सैंड जो है वो तो आपको सिर्फ एक सरफेस देता है, एक हार्डनेस देता है, बट आपको जो सीमेंट होता है वो आपका एक्चुअल में आपको ग्लू प्रॉपर्टीज देता है। तो वही आपको सीमेंट जो आप कंक्रीट में यूज करते हैं वो आपको इस पूरे बीम में आपको एक ग्लू प्रॉपर्टीज देता है, वो ग्लू को हम लोग कहते हैं केमिकल ग्लू, केमिकल ग्लू। ये कौन दे रहा है आपको, ये कंक्रीट का सीमेंट देता है आपको। तो इससे क्या होता है कि जब आप कंक्रीट पोर करते हैं, जब इस पूरे में आपका कंक्रीट इस तरह से आके फिल कर जाता है, तो क्योंकि वो आपको जब फ्रेश स्टेट में जब आप कंक्रीट करते हैं तो वो फ्रेश कंक्रीट कहलाता है। तो जब फ्रेश कंक्रीट रहता है तो वो उसका जो सीमेंट होता है वो आपको इस पूरे रेनफोर्समेंट के इस तरफ आकर के हर तरफ उसमें स्प्रेड हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपने एग्रीगेट्स के साथ उसको एक कंबाइंड इफेक्ट देता है। तो सबसे पहला रीजन आपको एडहेसिव रेजिस्टेंस होता है, जो आपको केमिकल ग्लू होता है जो आपको कंक्रीट करने से जब फ्रेश कंक्रीट करते हैं उस समय आपको मिल जाता है। तो एक तो इसके मदद से आपको ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, आपका बार जो होता है आप देखेंगे आप स्टेनलेस स्टील का बार यूज नहीं करते हैं, जो आप रेनफोर्समेंट यूज करते हैं वो आपका या तो आप माइल्ड स्टील यूज करें या आप HYHD बार यूज करें, वो आप देखेंगे कि उसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है। रफ इन द सेंस कि उसके वो रिब्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर ऐसे ही आप एक अगर अपना अगर आप स्टेनलेस स्टील का एक टीस्पून उठा लीजिए और आप एक रेनफोर्समेंट का बार उठा लीजिए तो आपको दोनों में आपको स्मूथनेस और रफनेस का एहसास हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कोटेड होता है तो वो आपको स्लिपरी होता है, रेनफोर्समेंट आपको स्लिपरी नहीं होता है। तो वो जब आपको कंक्रीट के साथ मिक्स होता है तो कंक्रीट में भी क्या होता है, एग्रीगेट्स होते हैं, सैंड होता है, सीमेंट होता है, तो ये सारे चीज होते हैं, ये भी आपको एक स्मूथ नहीं होता है आपको कंक्रीट भी। तो ये दोनों चीज जब आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों सरफेस के बीच में, ये कंक्रीट है और ये आपका स्टील है, दोनों के बीच में आपको फ्रिक्शन लगता है। वो ऐसा नहीं होता कि ये स्लिप करके बाहर आ जाता है। तो ये जो स्लिप करके बाहर नहीं आता, ये जो फ्रिक्शन देता है, क्योंकि आपको जो सरफेस है कंक्रीट का भी और स्टील का भी वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा रफ है, वो आपको देता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इसके वजह से भी आपका बॉन्ड डेवलप हो जाता है आरसीसी में। और तीसरा आता है आपका मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो हम लोगों का Fe415 और Fe500 बार होता है वो डिफॉर्म्ड बार्स होता है और Fe250 जो होता है वो आपका माइल्ड स्टील बार्स होता है। तो वो जो माइल्ड स्टील बार होता है वो आपको प्लेन बार्स होता है, उसमें आप जैसे ये आपका प्लेन है पेन तो वैसे ही वो आपका प्लेन बार होता है, इसमें आपको इस तरह से रिप्स नहीं बने हुए होते हैं। जो हम लोग जनरली सारे रेनफोर्समेंट में रिप्स देखते हैं वो Fe250 वाले में रिप्स नहीं होते हैं। तो जब रिप्स नहीं होते हैं तो उससे आपको स्लिपिंग का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
और जब आप Fe415 या Fe500 बार यूज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ से इस तरह से सर्कुलर जो है वो रिप्स बने हुए होते हैं। ये आपका रेनफोर्समेंट होता है, तो इसमें इस तरह से आपको रिप्स बनाना होता है। तो ये जो रिप्स होता है ये आपको देता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मतलब आप रेनफोर्समेंट को इस तरह से बनाते ही इसलिए है ताकि वो कॉन्क्रीट के साथ आपको एक प्रॉपर मैकेनिकल बॉन्ड बना करके दे। तो ये है आपको वो तीन रीजंस, एडहेसिव रेजिस्टेंस कंक्रीट के सीमेंट के ग्लू के इफेक्ट वजह से, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सरफेस के रफनेस के वजह से, और आपको मैकेनिकल रेजिस्टेंस रेनफोर्समेंट में रिप्स के वजह से, वो भी रेनफोर्समेंट में HYSG बार्स में, प्लेन बार्स में ये नहीं होता है। तो ये तीन आपको रीजंस है जो आपको बॉन्ड डेवलप करा देते हैं। अब ये तो हो गया आपको थ्योरी कि मतलब बॉन्ड डेवलप करा देते हैं, बट अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना पड़े, आपको पता करना पड़े कि ये बॉन्ड वाकई में डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ अब हम लोग चेक करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के आपको बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेस जो आपको होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, दूसरा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। इस एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस को कई बार आप डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, कई बुक्स में आपको ये दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम होता है, ठीक है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस या फिर डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग टाउ बी एफ से डिनोट करते हैं, बॉन्ड फॉर फ्लेक्सर, और एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग टाउ बी डी से डिनोट करते हैं, बॉन्ड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, आपके अगर आप किसी भी अपने एक पार्टिकुलर सेक्शन को देखेंगे, जैसे आप सिंपली सपोर्टर ले लीजिए या फिर आप फिक्स बीम भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखेंगे कुछ ऐसा होता है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट, अगर मान लीजिए आपका UDL है इनकेस, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक मोमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 100, इस वाले पॉइंट पे 98, इस वाले पॉइंट पे 96, और ऐसे ही ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते 80, 60, मतलब आप किसी भी दो पॉइंट पे देखेंगे तो सेम वैल्यू आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कहीं पे भी आपको इस तरह से, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये स्ट्रेट नहीं है, ये आपको इस तरह से है, मतलब सारे पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो जब सारे पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे पीछे वाले पॉइंट के कॉम्पेटिवली थोड़ा सा अनबैलेंस फोर्स है, मतलब अगर यहाँ 98 है, यहाँ 100 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो, अगर ये किलो न्यूटन मीटर है तो 2 किलो न्यूटन मीटर का आपको अनबैलेंस फोर्स है, मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप जब भी 80 पे रहेंगे तो ये 100 तक जा रहा है, मतलब है कि आपको कितना होगा -20 का आपको अनबैलेंस फोर्स होगा। तो ये जो हर पॉइंट पे आपका जो ये अनबैलेंस फोर्स होता है, ये आपको एक कंक्रीट पे स्ट्रेस प्रोवाइड कराता है, बॉन्ड स्ट्रेस। तो वो कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस होता है, वो होता है आपको फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये जो आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आपके लोड के वेरिएशन की वजह से आता है, लोड आपका जैसे जैसे वैरी कर रहा है, जैसे ये UDL है तो इसका बेंडिंग मोमेंट आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है, तो ये जो वैरी कर रहा है इसके वजह से एक कंक्रीट में क्या होता है कि आपको स्टील रिइंफोर्समेंट लोडेड है, कंक्रीट भी लोडेड है, तो ये अपने आप में एक बॉन्ड स्ट्रेस आपको बनाते हैं, एक कंबाइंड इफेक्ट देते हैं। तो ये कंबाइंड इफेक्ट देते हैं क्योंकि आपको ये सारा कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन तो उसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आप मैकेनिकल रेजिस्टेंस रिप्स दे रहे हैं, और आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो वैसे ही स्ट्रक्चर की वजह से आपको आ रहा है। तो इसलिए जब आपका लोड पड़ता है और वो वैरी करता है तो एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है, वो बॉन्ड स्ट्रेस कहलाता है आपको फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होता है, ये आपको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपरली, क्योंकि दोनों आपको चाहिए, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस भी आपको चाहिए कॉन्क्रीट RCC में, और आपको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस भी चाहिए। अब आपको फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो आया टाउ बीएफ, अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये टाउ बीएफ जो है ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये लॉस नहीं हो, क्योंकि ये लॉस होगा तो आपको क्या होगा कि जैसे जैसे लोड वैरी करेगा वैसे वैसे आपको इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा, तो आपका रेनफोर्समेंट है, हो सकता है कि रेनफोर्समेंट आपका स्ट्रेट रह जाए और कॉन्क्रीट जो है वो आपका इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाए। अगर इनकेस आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस नहीं सही से डेवलप हुआ तो आपका रेनफोर्समेंट क्या होगा, क्योंकि कॉन्क्रीट आपका पहले फेल करेगा, और कॉन्क्रीट जब पहले फेल करेगा तो रेनफोर्समेंट फेल नहीं करेगा तो ये सडन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आपको प्रॉपरली आपको स्प्रेड हो आपके पूरे बीम में, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसका एक्चुअली डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें, शॉर्ट में आपको सिर्फ समझा देते हैं कि हम लोग कैसे इंश्योर करते हैं। जब हम सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स पढ़ रहे थे तो उस केस में आप देखेंगे कि जब भी हम लोगों का AST निकल करके आता था तो हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल AST आया 870 mm² तो आप देखेंगे कि उसके साथ में हम आपको ये निकालते थे कि या तो हम दो बार प्रोवाइड करेंगे 25 का जो आपको ये AST से ज्यादा हो जाए, या फिर हम तीन बार प्रोवाइड करेंगे 20 का,
क्योंकि आप इसको भी ऐड कीजिएगा तो ये आपको कुछ 1000 या 980 के आसपास आ जाएगा mm स्क्वायर। 125 का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 491 होता है, तो ये आपको 980 के अप्रॉक्स हो जाएगा। और ये 320 का बार भी जब प्रोवाइड कीजिएगा तो इसका 314 होता है, इसको भी जब आप कीजिएगा तो 942 mm स्क्वायर आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब AST से ज्यादा तो आप प्रोवाइड करते ही हैं हर हाल में, जो भी आप ये 980 प्रोवाइड कर रही है 870 से ज्यादा है, 942 भी प्रोवाइड कर रहे थे 870 से ज्यादा है। मगर आप देखिएगा कि हम जब भी इसमें बात कर रहे थे तो हम दो बार की बात कर रहे थे, तीन बार की बात कर रहे थे, या फिर हम लोग चार बार देंगे 16 का अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो। मतलब हम लोग दो तीन चार ऐसी बात करते, हम लोग कहीं भी एक बार की बात नहीं कर रहे थे। मतलब हम लोगों का ये क्रॉस सेक्शन था तो हम लोग इसमें ये नहीं कह रहे थे कि एक सिंगल बार लगा देते हैं और इसका डायमीटर दे देते हैं 36 का तो आपको ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस है। मतलब टेंशन जोन में ही हम लोगों को रेनफोर्समेंट देना है तो हम इसको क्या करेंगे, टेंशन जोन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं और हम इसको इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि AST इसका भी जो होगा वो आपको इससे ज्यादा ही अगर निकल जाएगा तो आप ये भी कर सकते थे सिंगल बार दे दे, लेकिन जैसे ही आप एक लार्जर डाया का कम नंबर ऑफ बार्स देते हैं तो सरफेस एरिया जो होता है वो आपको रिड्यूस हो जाता है, तो जो आपका ये प्रॉपर जो बॉन्ड स्ट्रेस का जो डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल बॉन्ड स्ट्रेस का वो नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर डायमीटर का बार लेते हैं लार्ज नंबर्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे तीन बार दे देते हैं 20 का, तो एक इस सिंगल के बदले हम लोग क्या करते हैं यहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब इस पूरे टेंशन जोन में कंक्रीट यहाँ पे भी आपका सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, तो ये पूरा टेंशन जोन में कंक्रीट क्या होगा, स्टील के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो हम लोग तीन बार्स, कई बार आप देखते हैं कि हम लोग पांच बार्स देते हैं तो ऊपर की तरफ भी इस तरह से रेनफोर्समेंट देते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे एक दो क्लास पहले कि हम लोग यहाँ पे बीच में गैप रखेंगे यहाँ पे और हम लोग एक्स्ट्रा बार्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आप पांच बार्स, छह बार्स, कुछ भी जो आप प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ बार्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका फ्लेक्सुलर बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो डेवलप रहे। तो आपका जो एजम्पशन था कि प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, वो एक पहला मेथड जो आप टाओ बीएफ को आप इस तरह से इंश्योर करेंगे तो आपको वो सेटिस्फाई रहेगा। ये एक्चुअली डिराइव करके निकलता है, जो आप अभी सोच रहे हैं कि ये एक बार्स के बदले छह बार्स जो है ये कैसे इफेक्ट दे रहा है, तो उसका डेरिवेशन होता है, आपके लिए वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे। तो हम लोग जब भी हम लोगों का AST कुछ निकल के आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने एक नंबर ऑफ बार्स में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके फीजिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम इसको 10 नंबर ऑफ बार्स दे दिए 8 का, तो वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक बीम में अगर 8 mm का बार देंगे तो वो बहुत ही थिन हो जाएगा। तो बहुत ही थिन और बहुत ही थिक के बीच का जो एक रेंज होता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो जैसे अब आपका अगर 300 का, हम लोग ये क्यों बताए थे स्पेसिंग के बारे में कि अगर ये 300 का है तो इसमें आप दो बार्स तीन बार्स दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका 400 का हो जाएगा तो आप इसमें चार बार्स भी उस केस में दे सकते हैं। तो ये जो आपको स्पेसिंग बताया गया है ये उस स्पेसिंग को सेटिस्फाई करते हुए आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब आप 300 के बीच में 10 बार नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि आप एक लेयर में अगर तीन बार प्रोवाइड करेंगे तो आपको टोटल तीन लेयर देना पड़ जाएगा, तीन लेयर में भी आपको 10 बार नहीं आएगा, फिर आपको चौथा लेयर देना पड़ेगा, हो सकता है वो कंप्रेशन जोन में चला जाए। तो जब कॉम्प्रेशन जोन में चला जाएगा तो वो रेनफोर्समेंट आपको AST में हेल्प ही नहीं किया तो वैसे भी वो बीम फेल हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको स्पेसिंग को ध्यान में रखना है, कोशिश करना है कि सिंगल लेयर में बार एडजस्ट हो जाए, अगर बहुत हैवी लोडेड होगा तो आप डबल लेयर में प्रोवाइड करेंगे, उससे आगे आप नहीं जाएंगे। ये दो लेयर के आगे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है, जनरली किया भी नहीं जाता है साइड पे। कहीं भी आप रेनफोर्समेंट देखेंगे, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स में भी देखेंगे, तो ये दो लेयर में रेनफोर्समेंट अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बीम का साइज या तो इंक्रीज किया जाता है या फिर डायमीटर ऑफ बार थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि छह बार्स फिर भी प्रोवाइड हो रहे हैं तो ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो वैसे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये साइज के हिसाब से ध्यान रखना है कि कितने बार्स मैक्सिमम प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर दो और तीन में दोनों प्रोवाइड हो सकते हैं तो कोशिश कीजिए तीन बार्स देने का। अगर तीन या चार बार प्रोवाइड हो सकते हैं किसी सेक्शन में, जैसे 400 का सेक्शन है उसमें आप या तो तीन बार भी दे सकते हैं या चार बार भी दे सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि चार बार प्रोवाइड कीजिए, कम नहीं प्रोवाइड कीजिए, बार ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, भले ही उसका डायमीटर कम करके आप इस AST को सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे आप 16 mm का बार अगर यूज कर रहे हैं तो 16 mm का चार बार यूज करेंगे तो ये आपको कुछ 808 होगा, तो आपको ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 420 का बार यूज कर सकते हैं, तो 420 का बार करेंगे तो ये 1252 के अप्रॉक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 1256 हो जाएगा, तो ये 1256 आपको इस 870 से ज्यादा है। अगर ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप फिर 320 का प्रोवाइड कर दीजिए, ये 942 आएगा। तो तीन और चार दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सा प्रोवाइड करें, बेटर रहता है कि हम लोग चार वाला प्रोवाइड करें अगर चार आ सकता है तो।
ठीक है। अब क्योंकि अगर ये 300 का सेक्शन होगा तो 4 नहीं आ सकेगा, तो उस केस में आप 320 का बार देते हैं। ये लॉजिक होता है आपको रेनफोर्समेंट के नंबर ऑफ बार्स बढ़ाने का, डायमीटर कम रखना है और नंबर ऑफ बार्स बढ़ाना है, क्योंकि डायमीटर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपको बॉन्ड स्ट्रेस के। जितना ज्यादा आप डायमीटर प्रोवाइड करेंगे, आप 36 का प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस उतना ही आपको कम आएगा। ये डेरिवेशन से निकल रहा है, ये हम नहीं बता रहे। तो ये आपको जितना आपको ज्यादा डायमीटर बार रहेगा, उतना आपको ये जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होगा वो कम डेवलप होगा। जितना स्मॉलर आप रखेंगे उतना फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया बात आपको फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस का। अब दूसरा आता है आपको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। अब एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है कि आपके रेनफोर्समेंट, जब आपका ये आपका एक बीम है और जब ये बीम लोडेड होता है, तो जब बीम लोडेड होता है तो बीम डिफ्लेक्ट करता है। तो अब अगर इसका आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, मान लीजिए कि आप कुछ एंकरेज दिए हैं 300 mm का इधर, 300 mm का इधर, और ये आपका 5 meter का स्पैन है, तो आपका टोटल लेंथ ऑफ बार आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 5.6। ये आपको 0.3 है, ये आपको 0.3 है, तो आप 5 मीटर के स्पैन में 5.6 मीटर आप इनिशियली अभी अज्यूम कीजिए कि आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। अब ये बीम क्या होगा, ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, जब बीम डिफ्लेक्ट किया तो ये आपको जो बॉटम वाला जो टेंशन जोन होता है, इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। अब ये रेनफोर्समेंट क्या होगा, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, और ये जो डिस्टेंस आप कवर करके आते हैं ये लॉन्गेस्ट होता है। आपका अगर ये 3 meter होगा तो ये आपका 3.5 meter या एटलीस्ट 3 meter हो सकता है, अगर आप दोनों स्ट्रेट लाइन में ही पाथ रखेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मगर अगर आप थोड़ा सा भी इस पाथ से कुछ आएंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ये लॉजिक पढ़े थे, यही लॉजिक यहाँ पे आएगा। अब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से रेनफोर्समेंट का, ये आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो ये आपको, अब जैसे आपका 5.6 है, हो सकता है ये आपका 5.6 के बदले ये 5.7 हो जाए, ये वाला स्पैन। तो जैसे ये 5.7 हो जाएगा तो आपका रेनफोर्समेंट तो 5.6 का ही था। जब रेनफोर्समेंट 5.6 का था, इसका मतलब कि रेनफोर्समेंट यहां से लेकर के यहां तक ही सिर्फ रेनफोर्समेंट आपका रह पाएगा। तो जैसे ही ये स्पैन से बाहर रेनफोर्समेंट आएगा स्लिप आउट होकर के, आपको ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं रहा, ये वाले पोर्शन जिसको हम अभी क्लाउड कर रहे हैं, इसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ कंक्रीट रहा, और टेंशन जोन में कंक्रीट क्या होता है, कोई स्ट्रेंथ ले नहीं सकता है, ये यहाँ से आपका बीम जो है ये फेल कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर एंकरेज नहीं देंगे, प्रॉपर आप इसको अगर सपोर्ट के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, तो आपका ये लोड के मतलब बेंडिंग की वजह से आपका ये स्लिप आउट होने का चांस रहता है। तो ये जो स्लिप आउट होने का चांस रहता है, इसके लिए हम जो ये लेंथ प्रोवाइड करते हैं अंदर में, हम इसको कुछ सफिशियंट लेंथ तक प्रोवाइड करते हैं, इतना जितना में ये आपको बॉन्ड भी बनाए और आपको ये स्लिप आउट नहीं हो। तो वो जो लेंथ हम अंदर प्रोवाइड करते हैं वो लेंथ कहलाता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। जो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ये एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस को इंश्योर करने के लिए जो हम लोगों का सॉल्यूशन, जैसे फ्लेक्सुरल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं, वैसे ही एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस इंश्योर हो कि ये हो रहा है, ये कंक्रीट में आ रहा है, जिससे आपको ये जो टोटल इसका जो बॉन्डिंग है ये बना रहेगा, ये स्लिप आउट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग इस दोनों तरफ से बार को क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर ले जाते हैं। अब कितना अंदर ले जाते हैं, तो ये टोटल लेंथ जो ले जाते हैं ये कहलाता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है समझ में आ गया, कि हम लोग जो कंक्रीट के अंदर में अपने बार्स को ले जाते हैं ताकि वो स्लिप आउट नहीं हो ड्यू टू आपको जो बेंडिंग मोमेंट जो वेरिएशन हो रहा है उसके वजह से, तो ये हम लोग कहते हैं उसको डेवलपमेंट लेंथ। अब इस डेवलपमेंट लेंथ का भी डेरिवेशन होता है, वो भी हम लोग नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें आपको एक लॉजिक समझा देते हैं कि ये क्या हो रहा है, ताकि आपको पता रहे कि डेवलपमेंट लेंथ का ये जो फॉर्मूला है ये IS कोड में दिया हुआ है, IS 456 में क्लॉज नंबर 26.5 है, पेज नंबर 42 या 44 पे, उस पे आपको ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है डेवलपमेंट लेंथ का, LD डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 0.87 FY5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। ये टाउ BD क्या होगा, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ BF क्या होता है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपको कितना बॉन्ड स्ट्रेस हो रहा है ये आपको IS कोड बताता है, आपको क्लॉज नंबर 26.5.1 के बाद ही आपको ये टेबल नंबर याद नहीं है वो दिया हुआ है, वो आपको पेज नंबर 43 पे ये टेबल दिया हुआ है। इसमें आपको डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है फॉर Fe 250 बार्स, आगे और भी कंडीशन है वो बता देंगे। तो Fe 250 बार्स के लिए आपको अलग अलग ग्रेड के लिए, आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए आपको ये फ्लेक्सुरल टाउ BD का आपको वैल्यू दिया हुआ है। ये वाला टॉप BD आप यहाँ यूज करते हैं, मतलब आप IS कोड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि अगर M25 यूज कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस 1.4 डेवलप होगा,
मतलब इस एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस का क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया आईएस कोड ने, एक्सपेरिमेंट्स करके आपको बता दिया कि ये 1.4 तक आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो 1.4 अगर आप जब यहाँ यूज कर लेंगे तो आप इंश्योर कर दिए कि अब आप M25 का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, 1.4 इसमें स्ट्रेस आ रहा है, इसके लिए हमको कितना डेवलपमेंट लेंथ की जरूरत है, हम कितना अंदर ले जाएंगे अपने रेनफोर्समेंट को। तो ये वाला डेवलपमेंट लेंथ आपको कैलकुलेट होकर के आता है इस वाले फॉर्मूला से। अब ये फॉर्मूला क्या है ये याद रखने की जरूरत है या ये समझने की जरूरत है, ये देख लीजिए। डेवलप एंकरेज बॉन्ड जो होता है तो बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपको कि आपका सरफेस एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट। अगर हम एक कंक्रीट की बात करें, इस कंक्रीट में आपका अगर ये बार इस तरह से इंसर्ट किया हुआ है तो इसमें ये जो इतना बार आपको इंसर्ट किया हुआ है इस पूरे का सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ये आपको हो जाता है पाई इंटू फाई, मतलब इसका डायमीटर इंटू पाई इंटू इसका लेंथ जो हो जाएगा एल। तो हम लोग इस एल को एल डी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो ये हो गया आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कि अगर बॉन्ड इंश्योर करना है तो पाई इंटू फाई इंटू एल डी, मतलब पूरा सरफेस एरिया आपको उस बॉन्ड में हेल्प करता है, जितना भी आप इंसर्ट करेंगे वो उस बॉन्ड में हेल्प करेगा। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। और टेंसाइल फोर्स अगर इन केस इस पे लग रहा है तो ये कितना होता है, 0.87 FY AST होता है। तो हम लोग AST को AST नहीं लिख करके पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर लिख देते हैं, यही हम लोगों का AST निकलता है। अब ये भी अगर हम 10 बार दे रहे हैं तो 10 से जो मल्टीप्लाई होगा, और ये भी अगर हम 10 बार प्रोवाइड किए तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पाई इंटू फाई इंटू एल डी इंटू एन इजिकल टू 0.87 एफ वाई इंटू पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू एन। अब आपको ये एन और ये एन कट गया, ये फाई और ये फाई स्क्वायर कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, तो कि रिमेनिंग क्या रह गया, इधर रह गया एल डी, एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई फाई डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी, इसमें आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको टाउ बी डी भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्ट्रेस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये तो सरफेस एरिया हो गया, एरिया इंटू स्ट्रेस, यहाँ भी एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया, तो ये आपको टाउ बी डी भी रहेगा इस तरफ, तो इसमें आपका यहाँ पे इंटू टाउ बी डी भी एड रहेगा। तो जब आपका एल डी अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये टाउ बी डी आप नीचे ले आएंगे तो टाउ बी डी, और यहाँ क्या बचा था 0.87 एफ वाई फाइव और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 का ये 4 बचा था। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये वही फॉर्मूला है जो आपको आईएस 456 बताता है। तो इसमें लॉजिक क्या आया कि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आप रेनफोर्समेंट जितना भी प्रोवाइड कीजिएगा अंदर वो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ देगा, और ये आपको उस जो भी टेंसाइल फोर्स उसमें लग रहा है जो उसको पुल आउट करना चाह रहा है वो उस उसके बराबर होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, टाउ बी डी का वैल्यू आप एज्यूम कर ले रहे हैं कि आपको M25 में इतना ही टाउ बी डी मिल पाएगा, ये आईएस कोड आपको बता रहा है। तो जब आप ये एज्यूम कर ले रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट लेंथ उसी हिसाब से वेरी करेगा कि अगर आपका टाउ बी डी लेस होगा तो डेवलपमेंट लेंथ आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर हम लोग जो मेजर्स की बात कर रहे थे कि हम लोग कितना रेनफोर्समेंट के बार को हम लोग अंदर की तरफ ले जाएंगे तो जितना हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ये बार हम लोगों को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना ये टाउ बी डी ज्यादा होगा, अगर मैथमेटिकली देखिए तो ये डिनोमिनेटर में है, और ये जितना ज्यादा होगा ये टोटल वैल्यू सॉल्व करके उतना कम निकलेगा तो डेवलपमेंट लेंथ उतना कम प्रोवाइड होगा, ये जितना कम होगा ये टोटल सॉल्यूशन आपको उतना ज्यादा निकलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो ये टोटल वैल्यू आपको ज्यादा निकलेगा तो डेवलपमेंट लेंथ आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। वैसे भी लॉजिक है कि जब आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बार आप थोड़ा सा कम ही अंदर इंसर्ट करेंगे, अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम है तो आप बार को थोड़ा अंदर ज्यादा ले जाकर के इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस कि वो पुल आउट ना हो, ये पुल आउट जो फोर्स आता है तो उसको रेजिस्ट करता है आपको कंक्रीट कि ये पुल आउट नहीं होने देता है। तो कंक्रीट जो आपको रेजिस्ट करता है उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आईएस कोड बताता है। अब ये जो आपको बताता है, ये बताता है आपको फॉर प्लेन बार्स, मतलब Fe250 के लिए आपको ये वैल्यूज बताता है कि M20 के लिए 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 और M40 एंड अबव के लिए 1.9 है। अब अगर आप प्लेन बार्स नहीं यूज कर रहे हैं, आप अगर HYST बार्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आईएस कोड इसी टेबल के नीचे ये वाला लाइन लिखता है कि फॉर डिफॉल्ट बार्स यूज 1.6 इनटू टाउ बीडी, मतलब इस टाउ बीडी को आप 60% इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप 1.2 ले रहे हैं तो आप इसको 60% इंक्रीज कर दीजिए, फिर आपका वो 1.92 हो जाएगा, ठीक है, जब आप HYST बार्स यूज कर रहे हैं। और अगर ये सारा जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग ये सारा टेंशन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे थे क्योंकि टेंशन रेनफोर्समेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है, सबसे ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा पुल आउट, ये सब टेंशन जोन में आता है। तो टेंशन जोन में अगर आप ये ले रहे थे तो ये सारा आपको वैल्यू हो रहा है, और इसमें अगर आप टेंशन जोन में HYST यूज कर रहे हैं तो 1.6 इनटू टाउ बीडी कर रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो जब टेंशन जोन में क्या होता है, रेनफोर्समेंट
पुल होता है, मतलब उसका लेंथ तो फिक्स है, जब ये डाउनवर्ड जाता है तो आपको ये लेंथ इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप टॉप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बार जो होता है वो उसका लेंथ तो फिक्स्ड है और कंक्रीट वहां पे साइज रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये जो आपका कंक्रीट है ये जब आपका इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ तो ये लेंथ तो आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन ये लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन रिइंफोर्समेंट तो आपको उतने ही लेंथ का है जितने लेंथ का आप प्रोवाइड किए थे। तो ये वाला रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि जो आपका इधर कंक्रीट है जिसमें वो इम्बेड किया गया है वो उसमें आपको और स्ट्रेस देने की कोशिश करता है और पुल करने की कोशिश करता है। या आप ये समझिए कि वो कंक्रीट जो होता है वो आपको पहले ही उसको आपको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग जो डिफॉर्म बार्स के लिए जितना टेंशन के लिए यूज कर रहे थे, कॉम्प्रेशन के लिए हम लोग उससे थोड़ा कम वैल्यू लेके चलते हैं। तो थोड़ा कम वैल्यू लेके चलते हैं मतलब हम लोग क्या करते हैं 1.25 टाइम्स टाउ बीडी लेके चलते हैं। कि जब आप प्लेन बार्स में 1.4 आप ले रहे हैं टेंशन जोन में, तो जब आप उसको कॉम्प्रेशन जोन में आइएगा तो आप जो का जो वैल्यू होगा वो 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सॉरी, ये डेवलपमेंट लेंथ जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग रिड्यूस लेके चलते हैं। मतलब टेंशन में अगर आपको इतना डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड हुआ है कि इतना इंसर्ट कीजिए अदरवाइज पुल आउट हो जाएगा, तो कॉम्प्रेशन जोन में आपको इतना ही सिर्फ रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसका 25% आप ज्यादा लेके चल रहे हैं टाउ बीडी। सेम अगर प्लेन बार्स ही है उसका 1.4 वैल्यू अगर आप टेंशन में लेके चले हैं उसके हिसाब से लेंथ आया है, तो आप उसका 25% इंक्रीज करके लीजिएगा आप कॉम्प्रेशन जोन में, तो उससे क्या होगा कि ये वाला लेंथ जो होगा आपको वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रेशन जोन में अगर रिइंफोर्समेंट यूज कीजिएगा तो 1.25 टाइम्स टाउ बीडी, डिफॉर्म बार्स अगर यूज कीजिएगा तो 1.6 टाइम्स टाउ बीडी। अब अगर आप कॉम्प्रेशन जोन में डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, प्लेन बार्स इन टेंशन है, ये टेंशन जोन में है, तो जब आप इसी प्लेन बार को आप एच वाई एच डी कर दिए तो ये 1.2 का जो वैल्यू है ये 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो 1. टाउ बी डी आपका आया था 1.2, ये 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि आप प्लेन बार्स को एच वाई एच डी बना दिए। अब आप उसी एच वाई एच डी बार को टेंशन के बदले कॉम्प्रेशन में ले रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आपको ये 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई आपको टाउ बी डी हो जाएगा। ठीक है, मैं सॉरी, 1.2 आपको टाउ बी डी का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। मतलब आपको ये प्लेन बार्स इन टेंशन था, प्लेन बार्स को एच वाई एच डी कर दिए तो 1.6 कर दिए, ये 1.6 हो गया। और फिर इसी एच वाई एच डी बार को हम कॉम्प्रेशन में यूज कर लिए इस टेंशन के बदले तो ये 1.25 से मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल टाउ बी डी आपका 1.2 अगर आ रहा था तो ये 1.2 के बदले अब वो 1.6 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1.25 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी बीम में टॉप में जो रिइंफोर्समेंट यूज करेंगे उसका जो आपका टाउ बी डी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा जब आप बॉटम के साइड में जो आप टाउ बी डी यूज कर रहे हैं उससे, क्योंकि आपका 1.25 टाइम्स 1.6 टाइम्स अगर टाउ बी डी हो जाएगा तो ये आपको ऑलमोस्ट डबल का वैल्यू देगा। जब ऑलमोस्ट डबल का वैल्यू देगा तो इसका जो लेंथ रिक्वायर्ड हो रहा है इससे आपको हाफ इसका लेंथ रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये जो तीनों चारों पॉइंट्स है ये बताता है आपको IS-456 इस बॉन्ड स्ट्रेस वाले टेबल में। अब इस बॉन्ड स्ट्रेस का नाम रखा है वो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। तो जब एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जो हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है तो हम लोगों को एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू होना चाहिए था। तो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू IS कोड देता है वो क्या करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उसका मीन निकालते हुए आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसलिए यहाँ जो हम लोग टाउ बी डी यूज करते हैं इसका नाम आपको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस नहीं होकर के आपको डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है। ये सिर्फ नाम का आपको फर्क है, टाउ बी डी मतलब एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस ही होता है, बट IS कोड जब टेबल प्रोवाइड करता है तो वो आपको डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कहलाएगा, क्योंकि वो डिजाइन पर्पस के लिए आपको यूज करना है वो वैल्यू को। हो सकता है इस वैल्यू में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होंगे वो आपको डिवाइड करके ये वैल्यू आया होगा। एक्चुअल में हो सकता है 1.6 होगा, उसका कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड किया गया होगा, या हो सकता है कि आपको मीन निकाला गया होगा, मीन निकालने में आपको ये वाला वैल्यू जो होगा ये आपको मीन आया होगा, एक 1.3 वैल्यू आया होगा, एक 1.5 वैल्यू आया होगा, उसका मीन लिया गया होगा तो 1.4 आया होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस होता तो वो एक्चुअल वैल्यू होता, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं देके जब IS कोड दे रहा है तो ये मीन निकाल करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा है आपको बॉन्ड, बॉन्ड कैसे डेवलप होता है ये रीजंस है, बॉन्ड कितने टाइप का होता है, पहले वाले टाइप के लिए हम लोग क्या प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं, डायमीटर कम कर देते हैं, दूसरे वाले के हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया हम ये भी डिस्कस कर लिए। अब इसके थ्रू हम लोग टाउ बी डी, हम लोगों को जब भी कोई कंक्रीट डिजाइन करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोगों को पता रहता है, FY हम लोगों को पता रहता है,
फाइव कैसे निकलेगा, जब आप एएसटी निकाल लीजिएगा, एएसटी फॉर एग्जांपल हम लोग का जैसे आया 870 mm², इसके बाद जो आप बार्स प्रोवाइड करते हैं 320 mm के, यहां से आपको ये 20 मिलेगा और उस 20 को आप यहां पे पुट कीजिएगा, उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ मिलेगा। 25 फुट कीजिएगा तो डेवलपमेंट लेंथ ज्यादा मिलेगा, 30 फुट कीजिएगा तो डेवलपमेंट लेंथ और भी ज्यादा मिलेगा। मतलब जितना आप बार का डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, डेवलपमेंट लेंथ आपका उतना इंक्रीज होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आपको डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ेगा। तो जितना आप स्मॉलर डाया का बार यूज करेंगे, उतना आपको फ्लेक्सुलर बॉन्ड भी सेटिस्फाई होगा, उतना ही आपको डेवलपमेंट लेंथ भी कम आएगा। जब डेवलपमेंट लेंथ कम आएगा तो आपका वेस्टेज कम होगा, क्योंकि वो आपको कॉन्क्रीट के अंदर में आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपको बॉन्ड से रिलेटेड सारा टॉपिक। अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जो ये डेवलपमेंट लेंथ दे रहे हैं, ये हम लोग किस किस तरह से दे सकते हैं। अब आता है आपको एंकरेज। एंकरेज क्या होता है ये समझना पड़ेगा कि आप डेवलपमेंट लेंथ तो निकाल लीजिए कि आपका लेंथ आ गया, फॉर एग्जांपल आपका आ गया 1000 mm सॉल्व करके, ठीक है, जो भी आप डायमीटर बार्स के लिए किए। अब आपको ये 1000 mm कैसे आप प्रोवाइड करेंगे कॉन्क्रीट में, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक कॉलम है, इस कॉलम से आपका इस तरह से बीम निकला, ठीक है, फिक्स बीम है, और आपको ये कॉलम जो है ये आपका 600 वाइड है, इधर भी आपका 600 वाइड है। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ निकलता है ये आपको हमेशा एक तरफ का निकलता है, ये आपको दोनों तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1000 निकला, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इधर 500 और इधर 500 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कॉलम है हम लोगों का, ये हम लोगों का 1200 का वाइड है, ठीक है। अभी आपका दोनों चीज के समझा देते हैं, ये कॉलम आपका 1200 का वाइड है। अब आपके डेवलपमेंट ने निकला 1000, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप प्लेन बार्स यूज कर रहे हैं तो प्लेन बार्स को आपको 1000 रिक्वायर्ड है, मतलब यहां से अगर आप 200 mm छोड़ देंगे तो डेवलपमेंट लेंथ हमेशा इस सपोर्ट के बाद से रिक्वायर्ड होता है। मतलब ये सपोर्ट तक का तो क्या होता है, आपको ये टोटल लेंथ, ये तो आपको इस पे लोडिंग पड़ ही रहा है इस तरह से, तो ये तो आपको लोडेड वाला पोर्शन हुआ। आपको कितना सपोर्ट अंदर देना है, तो मतलब है कि अगर आपको ये पेन अगर आपका नहीं गिरना चाहिए हाथ से, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा हाथ के ऊपर इधर, थोड़ा हाथ के ऊपर इधर रहना चाहिए। अगर हम इस बीच की इसकी बात करेंगे तो ये तो आपका क्लियर स्पैन हो गया, तो ये क्लियर स्पैन के बाहर रहेगा, जब ये ऊपर रहेगा तभी तो ये सपोर्ट पे आएगा, अदरवाइज जैसे यहाँ थोड़ा सा इधर होगा ये पेन गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट लाइन है इसके अंदर आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड होता है। तो आप अगर प्लेन बार्स यूज कर रहे हैं तो आपको प्लेन बार्स, जैसे ये आपका बार हो गया अगर, तो आपको इसको इस तरह से सिर्फ 1000 ला करके छोड़ देने से काम नहीं होगा। मतलब आपका सपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट लेंथ 1000 mm रिक्वायर्ड आया है, आप यहाँ 1000 और यहाँ भी 1000 प्रोवाइड कर दिए हैं, बट क्योंकि वो अगर प्लेन बार्स है तो आपका सिर्फ इस तरह से नहीं प्रोवाइड होगा, क्योंकि प्लेन बार्स में क्या होगा, स्लिपेज का चांस रहता है। तो इसके लिए आपको इस बार को अंदर की तरफ थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, ये आप अंदर की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे। तो जब आप इसको बेंड कर देंगे तो ये पूरा क्या होता है, कॉन्क्रीट इस तरह से रहता है, तो अगर ये स्ट्रेट रहता तो स्लिप होने का चांस हो रहा था, जब आप इसको एल बेंड कर दिए तो अब ये क्या होगा, स्लिप होने का चांस जो है वो उसका रिड्यूस हो गया। तो जब भी आप प्लेन बार्स की बात करेंगे तो प्लेन बार्स में आपको हुक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको एंकरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो आप हुक्स प्रोवाइड करते हैं, ये हुक्स भी आपका डेवलपमेंट लेंथ में काउंट होगा, मतलब यहां से लेकर के ये पूरा बार जो इस तरह से यहां तक आया है टॉप तक, ये पूरा आपको डेवलपमेंट लेंथ में काउंट होगा। तो मतलब पहले अगर आप सीधा 1000 दे रहे थे तो आप सीधा 1000 नहीं दे करके 800 सीधा दे करके 200 का यहाँ बेंड दे सकते हैं, मिला करके आपका 1000 हो सकता है। तो ये जो टोटल आपका बेंड्स यहाँ पे आया है, ये जो आपका हुक का लेंथ प्रोवाइड किए हैं, ये सारा इंक्लूड करके आपको डेवलपमेंट लेंथ के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 800 प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 200 प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हुआ आपका प्लेन बार्स के केस में, सेम आप इधर भी करेंगे। अब अगर आपका यही HYHD बार है तो आप सिर्फ इसी बीम में, ये आपका अगर कॉलम था तो आप सिर्फ इसमें बार इस तरह से स्ट्रेट जा करके छोड़ सकते हैं, ये आपका 1000 हो जाएगा क्योंकि वो तो रिक्वायर्ड ही है, और आपका ये बार इस तरह से स्ट्रेट रह जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस है, ये आपको प्लेन बार्स के लिए है, आपको ये बेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये आपको HYHD बार्स के लिए है, ठीक है। ये अच्छा, ये कैसे सेटिस्फाई हुआ, जब आपका कॉलम का साइज डेवलपमेंट लेंथ से ज्यादा वाइड था, कॉलम का जो एक साइज का विड्थ था ये वाइड था, तभी आप यहाँ पे 1000 mm का स्ट्रेट बार ले जा करके छोड़ पा रहे हैं। अक्सर आपका ऐसा नहीं होता है, जब आप 25 mm का बार यूज करते हैं उस केस में अप्रॉक्स आपका 1250 या 1200 mm रिक्वायर्ड आता है आपको डेवलपमेंट लेंथ। तो जब आप 1200 रिक्वायर्ड आता है तो 1200 का मतलब कितना है, 4 फीट का वाइड कॉलम, मतलब
1.2 मीटर का आपको कॉलम, तो हम लोग जनरली उतना थिक कॉलम नहीं देते हैं, हम लोगों का कॉलम भी थिन रहता है, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज का रहता है, और बीम भी आपको स्टैंडर्ड साइज का रहता है, मगर उसमें रेनफोर्समेंट जो है वो 20 या 25 पे यूज होता है अगर, तो उस केस में आपका यहाँ पे अगर लेंथ आपका 500 का ही अगर ये आपका कॉलम वाइड है, तो इस केस में अगर आप HYHD बार भी यूज कर रहे हैं तो भी आप उसको स्ट्रेट भी अगर ले जाएंगे तो ये टोटल लेंथ आपको 500 ही मिलेगा। अब इसमें से भी आपको ये कवर यहाँ से 40 mm छोड़ना पड़ेगा, तो आपको ये टोटल 460 mm ही आपको ये डेवलपमेंट लेंथ मिलेगा, लेकिन आपको प्रोवाइड करना है 1000 mm या 1200 mm। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस बार्स को बेंड कर देते हैं कॉलम के अंदर की तरफ, ये बार इस तरह से जाता है, और ये आप देखेंगे कि हमेशा आपको सारा जो बार होता है वो आपको कॉलम में इस तरह से बेंड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बेंड करने का एक तो है कि आपका प्लेन बार नहीं है, HYHD बार है, तो हम लोग बेंड क्यों करेंगे, तो अगर कॉलम वो विथ प्रोवाइड कर रहा है आपको तो आप बेंड नहीं करेंगे, फिर आप स्ट्रेट देंगे, लेकिन अगर आपको कॉलम वो विथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको इसको बेंड करके उस पूरे लेंथ को ये यहां से लेकर के यहां तक में आपको वो 1200 या 1000 जो भी आया है उस पूरे डेवलपमेंट लेंथ को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि कॉलम का लेंथ बॉटम में हम लोगों का कास्टिंग हो चुका होता है, यहाँ तक हम लोगों का कंक्रीट हो चुका होता है, तो इसलिए हम लोगों का बॉटम में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचता है बेंड करने के लिए, तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं सारे बार्स को ऊपर की तरफ बेंड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर अभी कंक्रीट जो है वो कास्ट होना है हम लोगों का। ठीक है, तो ये चीज आपको ये ध्यान रखना है। और जब आप टॉप फ्लोर की बात करेंगे, जब आप छत की बात करेंगे, जब हम लोग ऊपर और नहीं ले जा सकते हैं, तो उस केस में जब आप नीचे का जो कंक्रीट कास्ट करेंगे कॉलम का, वो आप इतना छोड़ के कास्ट करेंगे जितना में आपको ये बार जो है ये बॉटम में आकर के इस तरह से बेंड होकर के इस तरह से बेंड होकर इस तरह से बेंड होकर आपका ये टोटल लेंथ जो है ये कवर कर सके डेवलपमेंट लेंथ का। ये उसी हिसाब से ये कंक्रीट का कास्टिंग होता है कि कॉलम कितना हाइट तक हम लोग कास्ट करेंगे और उसके आगे कितना दूर शटरिंग लगाएंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नेक तक कर देंगे कि यहाँ पे आपका बीम आना है और आप इस वाले लाइन तक अगर आप अपना कॉलम कास्ट करके रख देंगे तो आप बार्स को फिर बॉटम में बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हार्ड हो चुका है, तो आप फिर उसको ऊपर ही बेंड करेंगे। और जब आप छत के बीम की बात करें तो आपके पास ऊपर जाने में भी आपको रेनफोर्समेंट बाहर की तरफ निकला रहेगा, तो वो भी आपको डेवलपमेंट देना, आपको एंकरेज मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको कंक्रीट के साथ नहीं दिए तो आपको बॉन्ड स्ट्रेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप छत वाले बीम की कास्टिंग करेंगे तो नीचे वाले कॉलम जो होंगे जिस पे वो बीम रहेगा वो आपको कुछ यहाँ तक ही कास्ट होगा, यहाँ पे बाकी पोर्शन जो होगा ये खाली होगा, ताकि ये बार आपका बॉटम में इस तरह से बेंड होकर के फिर यहाँ बेंड होकर फिर यहाँ बेंड होकर के इस तरह से आपका डेवलपमेंट लेंथ जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये आपको दो प्रोसेस होता है, या तो आप स्ट्रेट रखेंगे या तो फिर आप बेंड प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो आप बेंड प्रोवाइड करते हैं, इस बेंड के लिए आपको IS कोड जो है कुछ स्पेसिफिकेशन बताता है कि ये बेंड आपको कितना प्रोवाइड करना है। तो IS कोड कहता है कि अगर आप 45 डिग्री का बेंड दे रहे हैं, पर 45 डिग्री के लिए वो बताता है कि अगर आप 45 डिग्री बेंड दे रहे हैं, मतलब आपका बार कुछ आप इस तरह से अगर आप बेंड कर रहे हैं, तो ये जो बेंड का जो ये लेंथ होगा ये कुछ इस तरह से राउंड होगा, बार आप सडनली बेंड नहीं कर देते हैं, राउंड शेप में बेंड होता है, तो ये जो टोटल लेंथ होगा ये यहाँ से जहाँ से बेंड शुरू हुआ है और जहाँ तक ये बेंड हो चुका है ये होगा आपको 4 × डायमीटर ऑफ बार। अगर आप 90 डिग्री करते हैं, अब ये डबल होता चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 × डाया ऑफ बार। अगर आप 180 डिग्री बेंड करते हैं, जिसको हम लोग यू शेप भी कहते हैं, क्योंकि 180 क्या हो गया, यहाँ से बिल्कुल बार आपको इस तरह से यू हो गया, तो ये करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 16 × डाया ऑफ बार। ये हम लोगों को बताता है IS 456। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये हम लोगों का कॉलम है, ये हम लोगों का बीम है, तो हम लोग यहाँ से बार लाते हैं तो इस तरह से बेंड कर देते हैं। तो जब इस तरह से बेंड करते हैं तो मतलब ये 90 डिग्री बेंड करते हैं, तो 90 डिग्री बेंड करने के केस में क्या होगा कि यहाँ से स्ट्रेट वाला ये लेंथ ये हम लोग काउंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ से तो हम लोगों को पता ही है कि स्ट्रेट कितना लेंथ है, और ये वाला जो लेंथ होगा ये हो जाएगा आपका 8 × डाया ऑफ बार। तो मतलब अगर आपको इनकेस अगर 1200 mm डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है इस तरह से, इसके ये पूरा आपका कॉलम है, तो यहाँ से आप लेंथ मेजर करेंगे जहाँ तक आपका ये बेंड नहीं हुआ है वहाँ तक का आप टेप से मेजर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आया 600, यहाँ तक आपका स्ट्रेट मेजर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आया आपका 400, तो ये 1000 हो गया। और अगर आप इनकेस 25 का बार यूज़ कर रहे हैं तो 8 × 25 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ये टोटल ऐड करके आपको 1200 हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिकेशन IS कोड आपको बोलता है कि अगर आप बेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर 45 डिग्री के लिए 4 × डाया ऑफ बार आप बेंड देंगे। तो मतलब ये टोटल लेंथ होगा, जब आप देखते हैं साइड पे जब आपका रेनफोर्समेंट बेंड किया जाता है वो इस तरह से बेंड किया जाता है कि ये जो टोटल लेंथ होता है ये 4 times होता है डायमीटर ऑफ बार ही होता है। ठीक है, तो
सॉरी अगर 45 डिग्री की बात हो रही तो, अगर 90 डिग्री की बात हो रही तो वो 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बॉडी होता है। अगर आप उसको मेजर भी करेंगे साइड पे कि एक 90 डिग्री का बेंड किया हुआ बार को ले लीजिए, आप उसका ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इस पूरे लेंथ को अगर आप मेजर कीजिएगा तो ये आपका 8 डायमीटर ऑफ बार होगा। तो क्योंकि ये मेजर करना डिफिकल्ट होता है इसलिए हम लोगों को, क्योंकि आईएएस कोड वो एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, उनको पता है कि 90 डिग्री बेंड पे 8 × 5 ही प्रोवाइड होगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि 90 डिग्री बेंड है तो हम लोग कैलकुलेशन में सीधा 8 × 5 इस लेंथ को जोड़ लेते हैं। मतलब इस लेंथ का लेंथ ही हो गया ये 8 × 5, जो भी डायमीटर बार रहेगा उसका 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री के केस में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो जो आप डेवलपमेंट लेंथ जोड़ते हैं साइड पे तो आप इसमें इस हुक के इस वाले बेंड वाले पोर्शन को भी ऐड कर लेते हैं, ये टोटल तब आपका बनता है डेवलपमेंट लेंथ। तो ये दो तरीका है आपके पास, प्लेन बार्स के लिए आपको ये बेंड देना ही देना है, और आपका अगर HYHD बार है तो आप उस केस में स्ट्रेट छोड़ सकते हैं, बट अगर सपोर्ट आपको उतना विथ नहीं है, उतना वाइड नहीं है, तो उस केस में आपको वैसे भी उसको बेंड करना पड़ेगा। तो फिर टोटल ये वाला लेंथ से लेकर के ये वाला लेंथ तक में आपका ये डेवलपमेंट लेंथ काउंट होता है। यही है बस आपका बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट। इसमें आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो आपको पूछ सकता है बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड के बारे में यहाँ तक जो हम लोग ये टोटल चीज डिस्कस किए हैं, जिसमें आप ये टेबल छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टेबल आपको याद नहीं रहेगा, तो आप ये पूरा थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस वजह से बॉन्ड आता है कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में, ये तीनों पॉइंट्स है, कितने टाइप का बॉन्ड होता है, ये दो पॉइंट्स है, पहले वाले पॉइंट के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस डायग्राम के साथ कि हम लोग नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं, और दूसरे वाले को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं जिसमें से ये टाउ बीडी जो है ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है जो IS-456 के टेबल में आपको गिवन है, और उसमें भी आपको वो प्लेन बार्स के लिए गिवन है, और उसमें भी अगर हम लोग डिफॉर्म्ड और कंप्रेशन में यूज करते हैं तो हम लोग का ये कंडीशन है। ये सारी चीजें आप थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर ये थ्योरी में नहीं पूछा तो इससे दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है हम लोगों का न्यूमेरिकल। दो ही चीज बन सकता है इस बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ में से, एक तो या तो ये थ्योरी हो सकता है 4 मार्क्स में, या नहीं तो आपको 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसके बियॉन्ड आपको बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ में और कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है तो आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम लोगों का यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।